Outlook, change your tone. ये जो समझ आ रहा है सबको है ना, तो माइनस आर नो इफेक्ट और यहाँ पे प्लस आर, ठीक है, ओ सी एस थ्री लोन पेरियर से डोनेटिंग इफेक्ट, ये तो कॉमन सी चीज है सब में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिक नेचर को कम करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे, ठीक है, कोई डाउट। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है जो ऑर्थो इफेक्ट, बेंजोइक एसिड में कोई भी ग्रुप लगा ऑर्थो पोजीशन पे, एनी ग्रुप कोई भी ग्रुप लगा होगा वो एसिडिक नेचर को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे विड्रॉइंग, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, एनी ग्रुप। So ortho substituted benzoic acids are more acidic. Clear? करो चाहिए दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, जो हो गया ये है ना, ऑर्थो वाला तो होगा ही हमेशा ज्यादा।
इसमें फर्स्ट का हमेशा ज्यादा होगा, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो पे। उसके बाद इसमें सेकंड और थर्ड में आपको पता है कि है ना पैरा पोजिशन से, पहले भी हो चुका है शायद ये, पैरा पोजिशन से माइनस आर लगता है, मेटा से नहीं लगता, मेटा से लगेगा माइनस आई। कोई दिक्कत पूछो, ठीक। तो वन के बाद क्या आ जाएगा, फिर टू और फिर थ्री। समझ आ रहा है, कोई दिक्कत पूछो, ठीक है। दिस इज एसिडिक नेचर एक तो, और रिएक्शंस की बात करें तो एक रिएक्शन है इंपॉर्टेंट है, हेलवोलार्ड ज़ेलिंस्की। इंपॉर्टेंट तो क्या, सिंपल सी है, बट नेम रिएक्शन है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, HVZ, क्या बोलते हैं इसको, HVZ, हेलवोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इसको अल्फा हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा हेलोजिनेशन। इसमें अल्फा पोजीशन पे हेलोजिनेशन होता है, ठीक। जैसे कोई भी हेलोजन है उसको फास्फोरस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो एनी कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ऑन रिएक्शन विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस या रेड फास्फोरस, ठीक है, उसमें अल्फा पोजीशन पे, अल्फा पोजीशन मतलब सीओएच के साइड वाली पोजीशन पे हेलोजन आ जाता है, क्या जाता है, हेलोजन, एच की जगह हेलोजन आ जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्फा हेलोजिनेशन। बात समझ आ रही है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्फा हेलोजिनेशन। हेलवोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का रिमूवल, CO2 का रिमूवल, रिमूवल ऑफ CO2 इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। तो दो रिएक्शन तो इसमें आपकी 11th क्लास वाली आ जाएंगी, तो होता था कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है ना 11th में, हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है भरत, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था, दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स AKA एल्कीन्स। वाओ, एल्कीन्स, एल्केन सैचुरेटेड, ठीक है ठीक है, क्या बात है ना। तो ये है ना RR, क्या बनता था, उससे RR और CO2 निकल जाता था, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसा ही होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट का, ठीक है, प्रणय किया है ये 11th में, मॉलिक्यूल्स का करते हैं, CO2 निकलता है और ये जुड़ जाता है, समझ आ रही बात।
हाँ जी बच्चों, तो ये होता है कोलफील्ड इलेक्ट्रोलिसिस। एक ही 11th में एक और रिएक्शन होती थी प्रणय, क्या? हीटिंग विद सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ हीट करना। सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ NaOH और CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, उसको बोलते हैं सोडा लाइम, मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO। ठीक, उसके साथ जब हम हीट करते हैं तो भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वो थोड़ा अलग स्टाइल से होता है। उसमें सिर्फ CO2 निकलता है, जो RH बन जाता है, सिर्फ CO2 निकलता है, क्या बन जाता है? RH। समझ आ रहा है? तो ये देखो, दोनों टाइप के डीकार्बोक्सिलेशन है, दो डिफरेंट टाइप के डीकार्बोक्सिलेशन है। एक में RR ज्वाइन होते हैं, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का बन जाएगा CO2 निकलने के बाद, और एक में उतने ही CO2 निकलेगा बस, और उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा, है ना? ठीक है भरत, तेरे को तो पता ही है ना? तो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम मीथेन नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें डबल हो जाते हैं, तो मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इसमें मीथेन भी बन सकता है। ठीक, एनी डाउट हो तो आपको क्या करना है, सोडियम ब्यूटेनोएट से दोनों टाइप से प्रोडक्ट बनाना है, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस से और एक सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन से। बनाओ एक बार, आगे बच्चों आंसर बताओ। बताते रहो यार, बोलते रहो। पहले वाले का एक्सेल। हाँ ठीक है भरत, तो सोडियम ब्यूटेनोएट मतलब चार कार्बन है, ठीक है ईशा, चार कार्बन है, एक हटा के डबल, तो हेक्सेन तीन का डबल करेंगे, कितने का डबल करेंगे? तीन का डबल, हेक्सेन बन जाएगा। और दूसरे वाले का प्रणय प्रोपेन, यस सर, ना दूसरे वाले से क्या बनेगा? प्रोपेन, सिर्फ CO2 हटाना है दूसरा वाले।
ठीक इससे बनाओ इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट स्टार्ट कैसे करेंगे मतलब जैसे ऊपर क्या था वैसे हाँ बच्चे बिल्कुल वही है और क्या है यार निकी नीला बच्चे ऐसे कुछ नहीं था इसमें क्या होता है कि जब है ना CO2 हटाना है चलो चलो CO2 हटाया दोनों तरफ से दो को ज्वाइन करने से बेटर होता है इसमें आपस में ही बॉन्ड बन जाता है सुना रहे प्रणय ऊपर क्या करते थे हम CO2 हटाते थे फिर RR को ज्वाइन करते थे है ना ऐसे में क्या होता है जब डाई एसिड्स होते हैं आपस में ही ज्वाइन हो तो फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो होगा इथीन पानी डाल दो बता प्रणय समझाया डाल दो ठीक है चुतो ठीक है प्रणय सुनाया तो ये CO2 हटा के एक एक वैलेंसी निकाली हमने कार्बन में आपस में ही बॉन्ड बन गया ठीक है और NaOH और CaO में हटा के HH आ जाएगा तो इथेन ठीक है समझ आ रही बात इससे भी बनाओ सर इथाइन और इथेन बनेंगे इसमें हाँ ठीक है समझ आ गया फंडा प्रणय यस ये जो तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं इसमें डीकार्बोक्सिलेशन में ओके ये हो गया हमारा 11th क्लास वाला डीकार्बोक्सिलेशन इसके अलावा
ट्वेल्थ में जो डी कार्बोक्सिलेशन है वो ध्यान से देखना कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स डी कार्बोक्सिलेट इजिली. सिंपल हीटिंग एडवांस में इसके दो तीन बार क्वेश्चन आए हुए हैं. बीटा कीटो एसिड्स, बीटा कीटो एसिड्स का मतलब होता है ये, जब बीटा पोजीशन पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पे कीटोन ग्रुप होगा तो बहुत ये थोड़ा अनस्टेबल होता है. हल्का सा हीट करने पे ही ये CO2 निकल जाता है. क्यों निकल जाता है बताता हूँ. पहले तो आपको याद रखना है बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स. समझ में आ रही बात? ठीक है प्रणय. तो ये एडवांस में क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है प्रणय कि पहले पहले ये था, इसको हीट किया तुमने, CO2 निकल गया बीटा कीटो एसिड्स है ना, फिर ये बन गया. ये आगे कौन सा देगा? आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देगा. ठीक है प्रणय, क्या दे देगा? आयोडोफॉर्म. आगे आयोडोफॉर्म दे. तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एडवांस में, ध्यान रखना है आपको. क्या खास बात होती है इनमें बच्चों? ये होता है, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर्स का. ये सिक्स मेंबर रिंग बन जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक होता है. ठीक है, तो ये बच्चों ये बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ध्यान से देखना. इसको ये एच एसिडिक एच होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एच एसिडिक होता है. थोड़ी देर के लिए इस ऑक्सीजन पे आके बढ़ जाएगा, थोड़ी देर के लिए इस ऑक्सीजन पे आके बढ़ जाएगा. एच प्लस निकलेगा यहाँ से, ऑक्सीजन पे आके बढ़ जाएगा, इनॉल जैसा कुछ बन जाएगा. क्या बन जाएगा? इनॉल जैसा कुछ. जैसे ही ये इधर आके बैठेगा वहां पे CO2 को उड़ने का मौका मिल जाएगा, CO2 को वहां से निकलने का मौका मिल जाएगा. समझ में आ रही बात? ये OH बन जाता है. ये निकलता है और ये इधर आता है. तो आपको तो सीधे याद रखना है, बस ये CO2 निकलेगा और इनॉल बन के फिर वापस से टॉटोमराइज होके कीटोन बन जाएगा. बताओ किसी को डाउट प्रणय, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत भारत, ईशा? नो. क्वेश्चन आते हैं कि किसमें कार्बोक्सिलिक डी कार्बोक्सिलेशन आसानी से हो सकता है, तो आपको पहचानना है बीटा कीटो एसिड्स. समझ में आ रही है? ठीक. और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा यहाँ पे, तो और ज्यादा इसमें इजीली डी कार्बोक्सिलेशन होगा. कॉन्सेप्ट ये है भारत प्रणय, समझ आ रही बात? की एच प्लस जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना CO2 इजिली निकल जाएगा, जितना एच प्लस ज्यादा एसिडिक होगा. ऑलराइट. Similarly, जेमिनल डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक ही कार्बन पे दो COH ग्रुप, ये भी तो बीटा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे ही जाएगा. ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बीटा कार्बन पे एक और कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम सीन बनेगा बिल्कुल जैसे ऊपर हुआ है. हमारी बात, ये भी इजिली हीट करने पे एक CO2 निकल जाता है यहाँ से भी, है ना? तो एक कार्बन पे दो COH लगे हुए, एक CO2 निकल जाएगा आराम से, मजे में डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा और ये बन जाएगा. इन दोनों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है. ठीक है बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एडवांस में मेंस में स्कूल में नहीं पूछते डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, स्कूल में नहीं पूछते. स्कूल में ये HBZ जैसी पूछेंगे, सीधे सीधे याद रखने वाली हेलवोलार्ड ज़िलिंस की रिएक्शन है ना, बोर्ड में स्कूल में हर जगह ये रिएक्शन स्पेशली आपको मेंस एडवांस के लिए याद रखनी है.
जो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बहुत कम है, मतलब रिएक्शन सारी सारी उसी में कवर हो जाती है। किसमें कवर हो जाती है? जो आपने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो उसके बाद कुल मिलाकर कुछ तीन चार रिएक्शन बचते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन हो गया, HBZ हो गया। ऑलराइट, समझ में आ रहा है। रिडक्शन में हम देख ही चुके हैं कि भाई रिडक्शन इसका किससे, LiLH4 से ही होगा, NaBH4 फेल हो जाता है इसमें। ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, और ऑलरेडी पूरा ऑक्सीडाइज है। क्लियर है बच्चों? ठीक, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको। जो शीट भेजी है बच्चों अभी, जो शीट अभी भेजी है उसका क्वेश्चन 3 करके बताओ। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 2। आई हैव जस्ट सेंट यू अ शीट, उसका करना है। नहीं नहीं बता, क्लोरीन और NO2 में ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा होता है? सेकंड क्वेश्चन वही है भरत, रिडक्शन का है ना, लास्ट क्लास में जो हमने किया था, याद हो गया? सेकंड बोलो, थर्ड, सॉरी थर्ड वही रिडक्शन का, LiLH4 से किसका होगा किसका नहीं होगा।
यस सर थर्ड तो होगा थर्ड हो गया प्रणय यस सर हाँ और सेकंड इलेक्ट्रॉन वेट ड्रॉइंग ग्रुप की वो बता दो एक बार हाँ वेरी गुड कौन किससे ज्यादा होता है हाँ तो आ गए दोनों क्वेश्चन समझ थर्ड वाले में एल्कीन का नहीं होगा आपको पता ही एलाइल एच फोर्स है ना सिर्फ पोलर पोलर पाई बॉन्ड्स होते हैं ठीक है भरत तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा थर्ड थर्ड का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड डबल बॉन्ड नहीं होगा और एस्टर ग्रुप हो जाएगा और सेकंड वाले में हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिसिस किसका बढ़िया होगा जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो ठीक है समझ आ रही बात विष्णु ठीक है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पर अटैक क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा तो NO2 वाले ग्रुप का सबसे ज्यादा थ्री का सबसे ज्यादा और फोर का सबसे कम क्योंकि वो डोनेटिंग ग्रुप है OCH3+R ये सब बातें याद रखनी है बाकी जो ये बेंजोइक एसिड्स का जो वो होगा ना बेंजोइक एसिड कैसा डायरेक्टिंग है मेटा डायरेक्टिंग है ना तो इसपे कोई भी अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3H2SO4 कराएंगे तो बेंजोइक एसिड का COH ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना आपने फिनॉल में किए थे ऐसे क्वेश्चंस COH इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में कुछ खास रिएक्शंस हैं सारी रिएक्शंस वही थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके डेरिवेटिव्स वाली मेन बच्चों का स्कूल रिएक्शन है उसके अलावा तो ये सब छोटी छोटी रिएक्शंस हैं ठीक है तो ये चैप्टर भी आपका खत्म है इसमें यहाँ पे अभी इसके में ज्यादा क्वेश्चंस और देख लेते हैं इसमें कम क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने आपको शीट भेजी और भेजूंगा